आइए। सो अब हम लोग करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5A। राइट, फल क्या बोला है देखिए, हम लोग को सेल्स बजट दे दिया है। तो जब सेल्स बजट दे देता तो हमको याद है, हमको जहां तक मेरा दिमाग बोलता है प्रोडक्शन बजट बनाने बोलेगा, परचेस बजट बनाने बोलेगा। एक मैन्युफैक्चर करने के लिए 1500 स्टैंडर्ड कॉस्ट लगता है, उसका सेलिंग प्राइस 2000 है, डिस्काउंट 15% है। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल बैटरीज, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस बजट हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग बनता है। दो बैटरी चाहिए एक गैजेट बनाने के लिए, ठीक है। द कंपनी वॉन्ट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 60% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। सॉरी, टू कवर 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, मतलब नेक्स्ट मंथ का जो रिक्वायरमेंट है उसका 30% इस महीने का क्लोजिंग होगा। एंड जो मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स है फिनिश गुड्स 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल, और जनवरी का बैटरी का और गैजेट्स का दोनों का वो दे दिया, ठीक है। सो अपने पार्ट वन करेंगे प्रोडक्शन बजट, बड़ा ही सिंपल सा सम है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, सेल्स कितना दिया हुआ है? सब यूनिट्स में बन रहा है, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000 प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो ऐसा करने से हमारे को प्रोडक्शन पता चल जाएगा। तो फिनिश गुड्स का, गैजेट्स का जनवरी वाला ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 1200, ठीक है। अभी जनवरी का क्लोजिंग गैजेट कितना होगा? 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। तो फेब का जो सेल है उसका 25% हम एंड ऑफ जनवरी में होल्ड करेंगे। वैसे मार्च का 25% 1750, फेब का क्लोजिंग बनेगा, अप्रैल का 1875, 2000। सर हम लोगों को क्वेश्चन में 4 महीने का बोला है, ठीक है। प्रोडक्शन बजट 4 महीने का बोला है, परचेज बजट 3 महीने का बोला है। मई का नहीं बना पाएंगे हम लोग, क्योंकि अपने को उसके लिए जून वाला सेल्स चाहिएगा। नाउ जैन का क्लोजिंग विल बी फेब का ओपनिंग, ये इस तरीके से नीचे उतरेगा। सो हियर वी गो। तो हमारे को हर महीने का प्रोडक्शन पता चल जाएगा। ये आ रहा है हमारा 5300, ये आ रहा है 6250, ये आ रहा है 7125,
7625, इज दैट फाइन? बोलिए क्वेश्चन में जो बोला था उस हिसाब से किए हैं। अभी पार्ट टू में अपने को परचेज बजट बनाने बोला, बट उसके लिए अपने को रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा बैटरी का, जैन फेब मार्च अप्रैल बैटरी का। बैटरीज का एक गैजेट बनाने में दो दो बैटरीज चाहिए, तो ये आ गया हमारा 10,600, 12,500, 14,250, राइट? और 7,650 इंटू दो करो, पंद्रह हजार दो सौ पचास। अब हम लोग का सम बनेगा, मेन सम जो है, राइट? व्हाट इज अवर मेन सम? हम लोग को पूछा है पार्ट टू में, पहला पार्ट तो प्रोडक्शन बजट बन गया, पार्ट टू में कंजम्पशन बनाया, अब हम लोग का मेन बनेगा रॉ मटेरियल परचेज बजट। जैन फेब मार्च रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिखिए, 10,600, 12,500, 14,250 प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। बोला है नेक्स्ट मंथ का जो रिक्वायरमेंट है उसका 30%, तो नेक्स्ट मंथ का रिक्वायरमेंट कितना है देख के बताइए। नेक्स्ट मंथ का रिक्वायरमेंट है 12,500, इसका 30% करेंगे तो 3750 आएगा, फिर 14,250 का 30% करेंगे तो 4275 आएगा, फिर 15,250 का 30% करेंगे तो 4575 आएगा, राइट? अप्रैल का करेंगे ना नेक्स्ट मंथ का, इसलिए तो अपने को अप्रैल का प्रोडक्शन बनाने बोला, जिसे अप्रैल का कंजम्पशन आ जाए उसको अपने यूज करके मार्च का क्लोजिंग रॉ मटेरियल निकाल पाएंगे। माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है जनवरी का तो 3250 दे दिया, बाकी का तो सीधा उतरेगा 3750, 4275। अब बेटा इतना इजी सम एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूं, उतना सोचने का दरकार ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दो, मुझे नहीं सोचना। अगर इस सम के लिए अगर आपको सोचना पड़े देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यस सीरियसली यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, राइट? मैंने तो एक सेकेंड भी टाइम नहीं वेस्ट करना, मेरा ये हो भी गया। अभी इसमें एक और पार्ट पूछा है, प्रॉफिट निकालने बोला है। सो प्रॉफिट पर यूनिट अगर मैं देखूं तो 2000 का माल में
राइट 15%। फिफ्टीन परसेंट ऑफ 2000 डिस्काउंट है, माइनस 1500 मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो ये मेरा 300, तो मेरा 200 पर यूनिट मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अभी हम लोगों को जैन का पूछा है, फेब का पूछा है और मार्च का पूछा है, तो ऑटोमेटिकली जो सेल हुआ इनटू प्रॉफिट पर यूनिट, तो 5000 यूनिट इनटू 200, तो 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ हुआ है। 6000 इंटू 200, 1,20,000 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है। 7000 इंटू 200, 1,40,000 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है। सॉरी 10 लाख होगा, 10, 12, 14, एक एक जीरो कम हो गया। इज दैट फाइन? यस और नो? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हालांकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आइए। सो अभी हम लोग करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5B। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5B, ठीक है। ना हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, 5B में दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट लेबर का समय, सेकंड पार्ट ओवरहेड का समय। सैलरी दे दिया, बोनस दे दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ दे दिया, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटी, इसका मतलब ये परक्यूजिट एक टाइप का, और टोटल में 175 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, पर एनएम है ये, ध्यान दीजिएगा। लीव 30 दिन लिया है, नॉर्मल आइडल टाइम 70 घंटा है पूरे साल में, ये अनअवॉइडेबल है, तो जब कॉस्ट पर आवर निकालते थे उसको माइनस कर देते थे, अब नॉर्मल आइडल टाइम माइनस नहीं होता है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस वेजेस, ठीक है, ग्रॉस वेजेस एंड कॉस्ट टू कंपनी एक साथ निकाल लो, तो सैलरी एंड बोनस तो आ जाएगा ग्रॉस बोनस में, ग्रॉस वेजेस में, राइट। तो हमारा सैलरी कितना है, सैलरी है 30,000 पर मंथ, ठीक है, राइट, 3,60,000 प्लस बोनस 25% ऑफ सैलरी, तो 3,60,000 का 25% दैट कम्स टू 90,000। हिसाब से देखा जाएगा तो और कोई कैश पेमेंट है नहीं, तो ये मेरा ग्रॉस वेजेस आ गया 4,50,000। अब इसमें से ये मेरा ग्रॉस वेजेस, दिस इज द अमाउंट ऑफ वेजेस विच द एम्प्लॉय गेट्स इन हैंड, ठीक है। अब इसमें हम ऐसा कोई चीज जो एम्प्लॉय के लिए है बट उसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, ऐड
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ 3,60,000, दैट इज 54,000 परक्यूजिड वैल्यू ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज. कितना खर्चा कर रहा है मालिक? मालिक पूरा साल में, तो इंटू 12 करने का दरकार नहीं है इसको. 661,500 खर्चा कर रहा है 175 एम्प्लॉय के लिए. तो पर हेड का मेरा परक्यूजिड वैल्यू कितना आएगा? आ जाइए, सिक्स सिक्स वन फाइव डबल जीरो डिवाइडेड बाई 175. थ्री सेवन एट जीरो, तो ये आ गया मेरा 2 ठीक है. इज इट फाइन? हाँ आइए. सो 4,50,000 प्लस 54,000 प्लस 3,780, तो ये मेरा आ रहा है 507,780. सो दिस इज माई कॉस्ट टू कंपनी. इतना रुपया मेरा कंपनी का खर्चा लग रहा है एक एम्प्लॉय के प्रति. अब उसका मैं इफेक्टिव आवर्स देख लेता हूं, उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट पर आवर आ जाएगा. हाँ या ना? तो एनुअल कॉस्ट आ गया राइट. बड़ा ही सिंपल था, कुछ करना नहीं है इसमें हम लोगों को. अच्छा, नोट टू, effective hours. तो इसमें सबसे पहले available hour कितना है? 310 into 8 घंटा. 310 into 8 करो कितना होता है? 2,480 less. लीव का तो पैसा मिलता है ना, बट वो प्रोडक्टिव आवर में नहीं आएगा. 13 into 8 240. तो लीव के कारण पैसा नहीं कटेगा, उसका जो सैलरी है उसको उतना ही मिलेगा, बट प्रोडक्टिव आवर कम हो गया. लेस नॉर्मल आइडल टाइम 70. तो मेरा प्रोडक्टिव आवर कितना आ रहा है? टू एबनॉर्मल आइडल टाइम माइनस नहीं होता है, मैंने बता दिया आपको ये सब चीज. तो हमारा आएगा कॉस्ट पर आवर इज इक्वल्स टू 507,780 डिवाइडेड बाय 2,170 आवर. दैट कम्स टू 10 डिवाइडेड, जो भी आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे 2,170 से, तो ये आ रहा है मेरा 234 पर आवर. ठीक है. अच्छा, पार्ट थ्री हमको पूछा है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम. बेसिकली इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, पता है ना? तो कितना घंटा है?
फिफ्टी आवर्स इंटू 234 राइट। सो करिए जो भी आ रहा है इंटू 50 11,700 का लॉस कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो ये पूछा था हम लोगों को, ये पूछा है और ये पूछा है, तो फटाफट पूरा रिदम में आएगा राइट। ग्रॉस वेजेस निकाला, उसमें अदर बेनिफिट्स ऐड कर दिया, इफेक्टिव आवर में लीव इज नॉट अ प्रोडक्टिव आवर, नॉर्मल आइडल टाइम ये सब माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिव आवर आ गया, डिवाइड करके कॉस्ट पर आवर और अब नॉर्मल आइडल टाइम को उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज लॉस विच स्टार्ट्स टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट टू ओवरहेड से रिलेटेड है राइट। नाउ फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम अगर ये कोई पढ़ेगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, अपना बचा कुचा टाइम इसमें दे देंगे। अभी तक अगर आप देखेंगे एक घंटा और मोटा मोटी 3 घंटा लगा हम लोग को पूरा पेपर कंप्लीट करने में, जिसमें मैंने काफ़ी सारा चीज डिस्कशन किया है, तो मैं मोटा मोटी आपके पास आधी घंटा बचेगा और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी तो अपने छोड़ रहे हैं ना, लास्ट वाला क्वेश्चन तो अपने को 4 अटेम्प्ट करना है। सो इस क्वेश्चन में अपने 20-25 मिनट आराम से स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पहले बोला क्या, पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे कि अपने को करना क्या है। एनओपी लिमिटेड लिखा है क्वेश्चन में, एनओपी लिमिटेड हैज इट्स ओन पावर प्लांट एंड जनरेट्स इट्स ओन पावर। ठीक है, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सपोर्ट डिपार्टमेंट, तो साफ समझ में आ रहा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनेगा राइट, उसमें सारा खर्चा आ जाएगा, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन में बटेगा, या तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या स्टेप डाउन होगा या नॉन रेसिप्रोकल मेथड होगा, रेसिप्रोकल में भी साइमल्टेनियसली है और रिपीटेड है। नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन, मतलब दिस इज माय नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन, मतलब जो बजटेड है 20,000 घंटा, 25,000 घंटा, 15,000 घंटा, 10,000 घंटा, ये मेरा फुल कैपेसिटी 100% कैपेसिटी। यूज्ड कितना हुआ है 16,000 घंटा, मतलब 80% कैपेसिटी में ये काम किया है राइट। 20,000 घंटा, 12,000 घंटा, 8,000 घंटा, मतलब सारा ही डिपार्टमेंट अपना 80% लेवल में काम किया है, साफ देख के समझ में आ रहा है 80%, मतलब नीडेड कैपेसिटी था इतना, यूज्ड हुआ इतना। अच्छा, टोटल कॉस्ट लगा मेरा 12,60,000 का, जिसमें 4,20,000 फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर 12,60,000 में 4,20,000 फिक्स्ड है, तो इसका मतलब 8,40,000 वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है वो तो भैया यूज्ड कैपेसिटी में डिवाइड होगा, हाँ है ना, और जो हमारा फिक्स्ड है वो हमारा कैपेसिटी नीडेड में डिवाइड होगा, हाँ है ना, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का एवरेज हमारा जो बजटेड क्वांटिटी होता है उस पर निकलता है, टोटल ओवरहेड आ जाएगा प्राइमरी का। उसके बाद क्या बोला है, बोला एक्स खर्चा ए बी वाई को दे रहा है, लेकिन वाई खाली ए बी को दे रहा है, तो ये स्टेप डाउन मेथड हो गया, फिर दोनों का वो आ जाएगा, वो आने के बाद अपने डिवाइड कर देंगे लेबर आवर से, दोनों का एवरेज रेट आ जाएगा, यही पूछा है अपने को राइट। तो प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग राइट। पर्टिकुलर्स बेसिस A, B, X, Y, पर्टिकुलर्स में हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट यूज्ड के बेसिस पे करना है
राइट, तो यूज्ड वाले का रेशियो क्या है, 16, 20, 12, 8, तो अगर दो कॉमन लेंगे, सॉरी चार भी कॉमन हो सकता है, तो 4:5:3:2, तो वेरिएबल कॉस्ट है 840,000। इसको डिवाइड करके बताइए, यूज्ड कैपेसिटी तो टोटल आ रहा है 9, 3, 12, 14 आ रहा है, राइट टोटल हमारा 14 आ रहा है। आठ लाख चालीस डिवाइड बाय 14 × 4, दो लाख चालीस इंटू पांच 3 लाख इंटू 3 180 इंटू 2 1,20,000। राइट, फिक्स कॉस्ट है 4,20,000। फिक्स कॉस्ट जाएगा बजटेड, और कोइंसिडेंटली बजटेड का जब आप रेशियो लेंगे, पांच कॉमन आएगा, उसका रेशियो भी आपका यही आ रहा है, तो रेशियो सेम है और ये इसका आधा है, तो थोड़ा बहुत ये सब दिमाग आप लगा सकते हैं, 120, 150, 90, 60। तो ये मेरा टोटल ओवरहेड एज पर PDS। तीन साठ, 450, 270, 180। अब फटाफट हम लोग बनाते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स बेसिस ए बी एक्स वाई, ठीक है, तो टोटल ओवरहेड एज पर PDS, थ्री लाख सिक्सटी, 4,50,000, 2,70,000, 1,80,000। तो ये स्टेप डाउन मेथड में अपने को सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। सबसे पहला सीक्वेंस क्या चीज का है हमारा, ध्यान से देखिएगा, स्टेप डाउन में क्या बोला है, एक्स का खर्चा बट रहा है ए बी वाई में, और वाई बट रहा है ए बी में, तो पहले एक्स बांटेंगे, री अपोर्शनमेंट ऑफ एक्स टू ए बी एंड वाई,
6, 4, 2 तो 270 को बांटेंगे 6, 4, 2 राइट 12 आ रहा है तो 270 डिवाइड बाय 12 इनटू 6 135 डिवाइड बाय 12 इनटू 4 90 एंड 45 इसका सब टोटल ले लो 2,25,000 फिर आएगा रीअपोर्शनमेंट ऑफ Y2 A&B 4:1 इसको तो देंगे नहीं डिवाइड बाय 5 × 4 डिवाइड बाय 5 × 1 नील नील ठीक है इज दैट फाइन सो कितना आ रहा है बताइए टोटल ये आ रहा है 675 और ये आएगा 585 तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ठीक है ए का बी का ए का आएगा 675 डिवाइडेड बाय कितना लेबर आवर है पूरा एकदम मोदा हो जाना 67,500 आवर दैट कम्स टू 10 पर आवर और ये है 5,85,000 डिवाइडेड बाय 48,750 आवर दैट कम्स टू 12 पर आवर इज दैट फाइन ठीक है इज दैट फाइन सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द पेपर इन 3 hours विद डिस्कशन सो नाउ थ्योरी क्वेश्चन है ठीक है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 ए नाउ पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है राइट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के टाइप्स कितने हैं एक है हमारा कॉस्ट सेंटर तो दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कॉस्ट इनकर्ड विच आर अंडर देयर कंट्रोल held responsible oblique accountable for cost
इनकर्ड विच आर अंडर देयर कंट्रोल, राइट? जैसे आपके पेरेंट्स आप पे खर्चा करते हैं तो यू आर रेस्पॉन्सिबल और यू आर अकाउंटेबल उसका आउटकम क्या हुआ, राइट? जैसे खाली मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है बस, जैसे टाटा में कुछ कुछ यूनिट ऐसे हैं जो खाली प्रोडक्शन से डील करते हैं, रेवेन्यू सेंटर दे आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल ऑब्लिक अकाउंटेबल फॉर सेल्स रेवेन्यू. नाउ जितने भी जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एरिया सेल्स मैनेजर हो गया, दे विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स रेवेन्यू, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए ये लोग को रेस्पॉन्सिबल किया जाता है. नाउ रेवेन्यू सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट नहीं होता है, बट इनके अंडर में भी कुछ कुछ कॉस्ट कंट्रोल आते हैं. कॉस्ट कंट्रोल सच एज कमीशन ऑन सेल्स, राइट? देन वी हैव प्रॉफिट सेंटर अकाउंटेबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट. जैसे टाटा का टाटा मोटर्स मैनेजर्स, राइट? और एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, राइट? ये तो है ही. अबव आप लोगों को लिखना पड़ेगा, थ्योरी थोड़ी लिखाएंगे अब हम बैठ बैठ के. अबव प्लस पावर है इनके पास टू टेक कैपिटल डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आरओआई. प्रॉफिट सेंटर के जो मैनेजर है दे आर कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, इनको मेन प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है क्योंकि इनका मेजर इंसेंटिव प्रॉफिट्स पे बेस्ड होता है, राइट? इज दैट फाइन? तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम लोग का थ्योरी क्लास हुआ था उसी समय वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स. काफी है, इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे पूरा ऑलमोस्ट एक पन्ना हो जाएगा. बी ऑब्सोलेसेंस, राइट? कोई भी टेक्नोलॉजिकल या मार्केट चेंज होने के कारण आउट ऑफ डेट हो जाता है आपके पास जो स्टॉक है, राइट? नाउ इसके सर्कमस्टांसेस आपको डिस्कस करने बोला गया है, अंडर विच मटेरियल बिकम ऑब्सोल्यूट. सो सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई स्पेयर पार्ट रखा है, राइट? जैसे अपने पास बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका पार्ट हमको हमारे फैक्ट्री में रखना पड़ता है, बार बार थोड़ी ना पार्ट खराब हो जाएगा तो उसको बाजार से लाने जाएंगे. तो स्पेयर पार्ट है ना, वो मशीनरी ऑब्सोल्यूट हो गया है तो गया स्पेयर पार्ट भी ऑब्सोल्यूट हो गया. रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स अब ऑब्सोल्यूट हो गया, बिकता ही नहीं है ऐसा फिनिश प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल है, मार्केट में एक बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल आ गया है, इसका सब्स्टिट्यूट. तो
इन सब केसेस में ये जो आपके पास में जो है राइट, ये सब क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेसेंस। अगर आपके पास पार्ट है, अगर मशीनरी ऑब्सोल्यूट हो गया है तो बट ऑब्वियस है आपका पार्ट भी ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। फिनिश प्रोडक्ट आपका ऑब्सोल्यूट हो गया तो उसका रॉ मटेरियल लेकर चार डालेंगे, अगर रॉ मटेरियल का एक दूसरा सब्सिट्यूट आ जाएगा बेटर क्वालिटी वाला, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? लॉस अराइजिंग आउट ऑफ एवव शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। राइट, पार्ट सी तो बहुत इजी है, हम लोग ओरली करेंगे। नाउ एयर कंडीशनिंग का ओवरहेड कॉस्ट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, जितना एरिया वो कवर कर रहा है। टाइम कीपिंग इन आउट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पता है। डेप्रिसिएशन होगा अपना वैल्यू ऑफ मशीनरी पे। पावर ऑब्लिक स्टीम कंजम्पशन, तो बेसिकली ये हीट एंड गैस पे होगा राइट। और इलेक्ट्रिक पावर होगा तुम्हारा नंबर ऑफ एचपी और मशीन आवर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन राइट। एयर कंडीशनिंग होगा फ्लोर एरिया, टाइम कीपिंग होगा आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डेप्रिसिएशन होगा वैल्यू ऑफ मशीनरी, पावर ये होगा हीट एंड गैस स्टीम कंजम्पशन, और इलेक्ट्रिक पावर होगा आपका या तो एचपी ऑफ मशीन या मशीन आवर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एक सम था इंस्टीट्यूट के बुक में जिसमें दोनों का मल्टीप्लीकेशन यूज किया गया है राइट। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स मैं लिखवाऊंगा नहीं, बिकॉज आई हैव गिवन यू द चार्ट, जस्ट लिसन। अगर स्मॉल वैल्यू का है तो आप मिसलेनियस इनकम मानिए, अगर कंसिडरेबल वैल्यू का है तो ट्रीट इट एज ज्वाइंट प्रोडक्ट, और अगर उसका फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ता है तो आप एनआरवी मेथड यूज कर सकते हैं राइट। स्मॉल वैल्यू का है तो ट्रीट एज मिसलेनियस इनकम, और यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट एंड रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट को आप ज्वाइंट प्रोडक्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर स्मॉल वैल्यू का है तो आप दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मिसलेनियस इनकम मान के आप कॉस्टिंग पेल में डाल दीजिए और ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस करके रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट आप अप्रोप्रिएट कर दीजिए ज्वाइंट प्रोडक्ट में। अगर कंसिडरेबल वैल्यू है उसका सेल प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का जो सेल प्रोसीड है वो कंसिडरेबल अमाउंट है, तो उसको भी एक ज्वाइंट प्रोडक्ट मान लो राइट। इज दैट फाइन? सो कोई भी आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। इज दैट फाइन? स्मॉल वैल्यू का है तो या तो मिसलेनियस इनकम या ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस करके रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट में। कंसिडरेबल अमाउंट है अगर बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू, तो उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर लो, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग है तो आप एनआरवी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है बाई प्रोडक्ट का, इसका मतलब आप फाइनल प्रोडक्ट से माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो एनआरवी हो जाएगा स्प्लिट ऑफ का, जैसे अपने करते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट में। नाउ क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? हर एक्टिविटी वाइज अपने कॉस्ट पुल अप करते हैं, तो यहाँ पर भी हर एक्टिविटी वाइज अपने को रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ता है। जो भी एक्टिविटी वी आर डूइंग, हर एक्टिविटी का इनपुट्स उसका रिसोर्सेज का प्लानिंग होता है राइट फॉर ईच एक्टिविटी। इसमें आएगा आपका रिसोर्स प्लानिंग फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। राइट,
कोई भी बजटिंग वेरिएंस एनालिसिस में मदद करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में इट विल हेल्प अस। राइट, इस तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो ये था बाय प्रोडक्ट और ये था वो अपोर्शनमेंट वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपके पास और पेपर्स लेके आएंगे पास्ट ईयर का, एंड वी विल डू इट। थैंक यू सो मच।